हमें शक्ति दीजिए प्रभु, इस घर को उसकी खोई हुई खुशी लौटा सके। ऐसा ही होगा आपा। दीदी, दीदी हमने हमने जो किया ठीक किया ना, हम सबको स्वर्ण भवन लेकर आए, वो ठीक किया ना? तुमने बिल्कुल सही किया, तुम सबको यहाँ ले आई, ये बहुत अच्छा किया। और करण और मिष्टी के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हमें पूरा यकीन है। पिछले दिनों रिश्तों में जो भी कड़वाहट आई है उनमें भी तुम बहुत जल्दी मिठास खोल दोगी। और बात रही डॉक्टर रॉय की, वो भी ठीक हो जाएंगे। आप ठीक कह रही हैं दीदी, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। दीदी, उस दिन आप और जीजा जी घर आए थे और डॉक्टर रॉय ने, हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। अब आइए ना दीदी, बैठिए। आभा, वो सब छोड़ो, भूल जाओ सबको, हम तो तुम्हें इनविटेशन देने आए हैं। आज हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा है। सत्यनारायण की पूजा? हम तो भूल ही गए दीदी, आज तो आपकी एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी। हम अभी जीजा जी से बात करते हैं। आधा, वो एक बात और है जो हम तुम्हें बताना चाहते हैं। हाँ तो कहिए ना। वो दीदी, सच? दीदी, हम तो मासी बनने वाले हैं। हम आज बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। बस एक ही कमी खल रही है आभा, अगर आज पिताजी और प्रकाश। दीदी, आप दिल छोटा क्यों कर रही हैं? दीदी आप ये सोचिए ना, प्रकाश भैया और माँ जहाँ कहीं भी होंगे, उन्हें ये देखकर अच्छा लगेगा कि आप उन्हें याद करके दुखी हो रही हैं। बहुत अच्छा दिन है दीदी, और हम आपकी खुशी में शामिल जरूर होंगे, और हो सके तो हम पूरे परिवार को लेकर आएंगे। हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए, जल्द से जल्द तुम्हारे आंगन में एक नन्हे बच्चे की किलकारी गूंजे। माँ, वो आंगन सिर्फ मेरा नहीं होगा, उस आंगन में उस बच्चे की दादी भी होगी, और इसकी शुरुआत आज से ही होगी। आपको पूजा में आना ही होगा माँ। नहीं बहू, नहीं नहीं माँ, आप चिंता मत करिए, अम्मा आज जरूर आएंगे। हम आपका इंतजार करेंगे। अब हम चलते हैं, हमें बहुत सारे काम करने हैं, जल्दी आना, हम इंतजार करेंगे। बहुत दिनों के बाद इस घर में कोई खुशखबरी आई है। अम्मा, हमने जिन्हें खो दिया वो तो कभी लौट कर नहीं आ सकते, पर हम आज भगवान के सामने प्रण लेते हैं। शैली भाभी और प्रियंका भाभी के चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट लौटा कर रहेंगे, उनकी उजड़ी हुई जिंदगी फिर से सवारेंगे। ये डाइनिंग टेबल है, मैं यहां बैठूंगा। करण, उसी कुर्सी पर जाकर बैठे जहां वो पहले बैठते थे।